जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज कोहली और अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये सब डिविजनल महेंडर के बस अड्डा की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़े हैं जो वो गंदगी के ढेर लग चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत वहाँ पर जो कूड़ादान लगाया गया है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और उसके गिर्दो नवा में आप देख सकते हैं कितना गंदगी का है जो वो ढेर लग चुका है। इतनी बदबू है कि वहाँ पे जो मकामी दुकानदार हैं और ड्राइवर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आम पैसेंजर हैं, उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इस पूरे काम की देख रेख है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेंढर के जू में आती है। इस अड्डा की साफ सफाई के लिए जो यहाँ पे बोली होती है वो कम से कम इस साल भी बताया जा रहा है कि 36 लाख रुपए हैं जो वो सालाना यहाँ कंट्रैक्टर से खरीदे जाते हैं, जिसके जुमे यहाँ की देखरेख आती है, साफ सफाई आती है। लेकिन इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद भी बस अड्डे की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेवार है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महेंडर से और इंतजामिया से मकामी ड्राइवर सूमी यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान ने अपील की है कि जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अगर बस अड्डे को साफ और शफाफ नहीं किया गया है तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मांग की कि फिल फोर इस जो भी ये गंदगी के ढेर लगे हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। आइए सुनते हैं कि सूमा यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान इस हवाले से क्या कह रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे स्टैंड पे आए और आज से नहीं बल्कि 1 महीने से जो है आपने पिछले दिनों में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी होंगी। यह स्टैंड जो है हमारा बस स्टैंड मेंढर जो है ये लावारसू का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर हमने वीडियो मेंढर और जो सेक्रेटरी पंचायत है हमने उनसे रिक्वेस्ट की, एज ए ब्लड रिक्वेस्ट की हमने कि प्लीज हम किसी डिपार्टमेंट वाले के खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते, हमारा मुंह मत खुलवाओ आप लोग। लेकिन यहाँ पर आप देखें कुत्ते और बिल्लियां यहाँ पर मरी हुई हैं और प्रॉपर मेन टेक ऑफ पॉइंट जो है मेन रोड के ऊपर, और इतनी खस्ता हालत है। मैं कहता हूँ ये रामकमाई खाना जो लोग ये रामकमाई खा रहे हैं, ये लोग ये हमारे इन गरीब मक्सीन लोगों का खून चूस रहे हैं ये लोग। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट मैंने की, मैं सर 1 महीने से हमारा स्टैंड पे कोई सफाई कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी FIR कर दी है इन्होंने। देखिए ये गरीब लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारे मेंढर में दिन दिहाड़े जो है यहाँ पर लूट घुसूट हो रही है। यहाँ पर 36,15,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो है हम बार बार क्या कह के हमारी जुबान थक चुकी है, लेकिन यहाँ पर स्टैंड के ऊपर इतनी गंदगी और मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है, ये अंधी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाई हुई है। और मैं LG इंतजामिया से, मैं DC पुंछ यासीन चौधरी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आपने अल्लाह के आगे जान देनी है, आप हमारे स्टैंड की हालत देखें। दूसरा आपके माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहा हूँ ये यहाँ पर स्टैंड की, अगर कोई मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर भी एक्शन करें। लेकिन मैं मेंढर जो है इस वक्त यहाँ पर तहसीलदार साहब है, हम तहसीलदार साहब और BDO साहब जो है उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर 2 दिन के अंदर मंडे तक ये गंदगी यहाँ से ना उठाई गई तो हम अल्लाह गवाह है हम प्रोटेस्ट पे आएंगे और मेन रोड पे आएंगे और इनको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट होती क्या चीज है। ये कहते हैं कि हम लोग मजाक करते हैं, हमारा इन्होंने मजाक समझा हुआ है, हमारी तहसील मेंढर के गरीब मक्सीन लोगों का इन्होंने मजाक समझा हुआ है। यहाँ पर दिन दिहाड़े लूट घुसूट ये कर रहे हैं ये लोग, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो कहते हैं जी फलाना आवाज उठा गया हमारे, अगर हम आवाज उठाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है।